नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ बिहार के भागलपुर जिले की एक गरीब परिवार के युवक को अपनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। युवक ने इस मामले में प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। युवक अब न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर बिहार के भागलपुर जिले की है, जहां एक ताजा खबर अभी खरीफ से आ रही है। गोपाल ठाकुर स्वर्गीय अधिक लाल ठाकुर बड़ी आलापुर रघोपुर के निवासी है। इन युवक की अपनी खाद्यान्न की जमीन रघोपुर मोचा का है। कुछ दिन पहले उन्होंने नापी करा करके सरकारी अमीन के द्वारा अपने जमीन पर पत्थर लगवाया था और युवक काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। इनके जमीन के उत्तर तरफ नंदकिशोर की जमीन है। उसने अपने जमीन की नापी कराई और जबरन गोपाल ठाकुर के जमीन में उत्तर तरफ से ढाई हाथ अंदर घुस करके अपना पत्थर लगा दिया और गोपाल ठाकुर, जो कि पहले नपाई करा करके पत्थर लगाया हुआ था, उनके पत्थर को काट करके फेंक दिया। साथ में प्रशासन भी उसके साथ आई हुई थी, जिसके अवज में गोपाल ठाकुर ने अंचल कार्यालय खरीफ के सीओ को एक आवेदन दिया और वहां का लोकल परबत्ता थाना में भी आवेदन दिया कि मेरे पत्थर को काट करके फेंक दिया गया और जबरन ढाई हाथ अंदर घुस करके पत्थर लगा दिया गया। अब नंदकिशोर ने उक्त जमीन पर जबरन दीवार निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जबकि गोपाल ठाकुर ने परबत्ता थाना में दिए आवेदन पर धारा 144 लगा दी गई है और उनकी नोटिस नंदकिशोर को भी दे दिया गया है। फिर भी जबरन अभी भी निर्माण करवाया जा रहा है। नंदकिशोर मनबट्टू किस्म का व्यक्ति है और प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस के बाद भी जबरन कार्य करवा रहा है। इसके लिए प्रतिदिन अंचल कार्यालय और थाना का चक्कर लगाने को बेबस है। शासन प्रशासन के उदासीन रवैये से काफी हताश और निराश है। अब देखना है कि गोपाल ठाकुर को न्याय कब मिलता है। क्या हुआ आपके साथ बताया जाए? मेरा सर खतियानी जमीन है, मेरा घर राघोपुर पंचायत है और नंदकिशोर मंडल पति पत्नी कंचन भारती, वो लोग जबरदस्ती मुझे घर नहीं बनाने देता है
और कहता है तुम्हारा 12 डिसमल जमीन है, मेरा खतियोनी जमीन है सर 19 डिसमल। अब पहले नपैया करा के पत्थर वगैरह लगा चुके थे? हाँ सर, सरकारी अमीन के द्वारा और प्राइवेट अमीन के द्वारा 5 बार नापी किए सर, फिर भी कोई मन्नो नहीं दिया। आप पत्थर लगाए हुए थे? हाँ सर। तो आपका पत्थर कहाँ गया? पत्थर सर वो पुल प्रशासन लगवा के कटवा दिया सर। प्रशासन क्यों कटवा दिया? पता नहीं सर, वो पैसा दे के कटवा दिया थाना में। और आपका जमीन जो है कब्जा कर लिया अपने? जमीन कब्जा कर लिया, हम लोग घर बनाने के लिए जाता है तो वो पूरा परिवार दौड़ता है लाठी डंडा से मारने के लिए, तुमको नहीं घर बनाने देंगे, तुम्हारा 12 डिसमल जमीन है। इसके लिए आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? इसके लिए आवेदन सर थाना में दिए, अंचल में दिए, इसके बाद DIG के पास दिए, SP कार्यालय में दिए सर, आयुक्त कार्यालय में दिए हैं, DM भागलपुर के पास दिए हैं और मुख्यमंत्री के पास भी दिए हैं। कितना दिन हुआ आवेदन दिए हुए? आवेदन दिए हुए सर 1 महीना हुआ। कोई सुनवाई कोई कार्रवाई? सुनवाई नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। साहब लोग क्या बोलते हैं जाते हैं तो? जाते हैं तो बोलते हैं कि हो जाएगा। कब हो जाएगा नहीं बताते? नहीं बताते हैं। आपको घर भी नहीं दे रहे हैं, आप जो है कि एकदम परेशान है, बाहर हैं। बहुत परेशान है सर, हम जाति का नाई है सर, एक के घर है उस जगह। अब वो लोग क्या सरनेम है, उनका नाम बताएं? उसका सर नाम है नंद किशोर मंडल और उसका भाई का नाम है निरंजन मंडल उर्फ नीरो मंडल और एक है सुरेंद्र प्रसाद मंडल और उर्फ हरकिशोर मंडल देवचंदर मंडल। आपका परिचय बताएं? मेरा नाम गोपाल ठाकुर है सर, घर बड़ी अलालपुर, पोस्ट राघोपुर, थाना परबत्ता, जिला भागलपुर, अंचल खरी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।